सत श्रीकाल जी, मैं जस चावला टेस्टी बोर्ड तो। सो आस्ट्रेलिया की लास्ट वीडियो तो बाद बच्चों के बड़े सवाल ने, बड़े कमेंट्स ने एंड बच्चों काफ़ी चीज़ों पर हले कलैरिटी नहीं हैगी। सो उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देने की मैं इस वीडियो कोशिश करदा। सो सवाल मेरे अगे बच्चों का पहला सवाल है कि मेरा वीज़ा लैवल वन या लैवल टू च अपलाई होया, तो लैवल वन अगर अपलाई होया तो वीज़ा तो मेरा रिफ्यूज़ होएगा नहीं। पहले मैं लैवल वन टू नू होर क्लीयर कर दे कि लैवल वन टू है की है, रैंकिंग सिस्टम है, तो किदा यूनिवर्सिटीज़ लैवल वन या टू के आदियां ने। सो आस्ट्रेलिया के हर 6 महीने बाद या साल से 2 वारी ऑडिट हुंदा है, जिते यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जिहड़ी डिसाइड की जाती है वो मुताबक यूनिवर्सिटीज़ नू लैवल वन या टू के या थ्री के उन्होंने रखा जाता। सो हो सकता है कि अज कोई यूनिवर्सिटीज़ लैवल वन के हैं, जो 6 महीने बाद ऑडिट होएगा कई फैक्टर्स इनवॉल्व होंगे है जिदे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हाई या उन्होंने डाउनग्रेड किया जाता। सो हो सकता है कि तुम जी यूनिवर्सिटी अच्छे लैवल टू च अपलाई कर रहे हो, 6-7 महीने बाद यूनिवर्सिटी लैवल वन के आए या वाइस वर्सा हो जाए। सो जेकर तुम सरकारी गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी में अपलाई कर रहे हो, चाहे वह लैवल वन की है चाहे टू की है, जेकर तुम राइट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए ने, तुहाडी राइट एजेंट तुम चूज़ किया है, तुहाडी इंटरव्यू की तैयारी बहुत वधिया हैगी है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो पिछले कई महीनों तो मैं देख रहा, बच्चों नूं उन्हां दे डॉक्यूमेंट्स बारे जानकारी नहीं हैगी, बच्चों नूं उन्हां दे फंड्स बारे नहीं पता हैगा। लैवल वन दे विच सिर्फ एजेंट इस करके तुहानू आवाज़ मार के अपलाई कर रहा है कि तुहानू फंड दिखाने की लोड़ नहीं हैगी। जो यूनिवर्सिटी लैवल वन की हैगी है तो एम्बैसी की रिक्वायरमेंट जी है इन टर्म्स ऑफ गैटिंग मोर डॉक्यूमेंट्स घट ही है, दैट यू आर नोट रिक्वायर्ड टू अपलोड यूअर सम ऑफ द फाइनैशियल डॉक्यूमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो दे हाईली रिकमेंड एट द सेम टाइम कि तुम डॉक्यूमेंट जोड़े ने सू सारे प्रोवाइड करो, ताकि जी एप्लीकेशन हैगी आप चंकी तरह असैस कर सकी कि तुम अपनी फीस, अपने जी मेनटेनेंस है, तुम वो पे करने लिए समर्थ है हो। बच्चा तो अगला सवाल है कि मेरी स्पाउस एप्लीकेशन लगी है, मेरे स्पाउस के कोई क्वालिफिकेशन नहीं हैगी, कि स्पाउस की क्वालिफिकेशन जरूरी हैगी है जेकर मैं उत्थे मास्टर्स करन जा रहा या पीजी कोर्स वास्ते जा रहा। इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटियां स्पाउस की क्वालिफिकेशन डिमांड करदियां ने, कई यूनिवर्सिटी जिहड़ियां ने स्पाउस की क्वालिफिकेशन डिमांड नहीं करदियां। सो ये तुहानू देखना पेगा, जेकर तुहाडे स्पाउस के कोल क्वालिफिकेशन नहीं हैगी या ग्रैजुएट नहीं हैगा या प्लस टू नहीं हैगा, दैन यू हैव टू चूज़ दैट यूनिवर्सिटी जिहड़ी स्पाउस की क्वालिफिकेशन नहीं मंगदी। ऑनलाइन क्लासेस बारे बच्चे का सवाल है कि मेरा अजे तक वीज़ा नहीं आया, लेकिन मेरा जो इनटेक लंघ गया, मेरे यूनिवर्सिटी ने या मेरे कंसल्टेंट ने मैंने कहा तो क्लासेस आपने जिहड़ियां ने ऑनलाइन शुरू कर लिया, कि मैंने ऑनलाइन क्लासा लगानी चाहिए ने कि डेफर लई अप्लाई करना चाहिए। सी ए उत्ते फिर दोबारा डिपेंड करता यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी, यूनिवर्सिटी की फीस पॉलिसी। जेकर यूनिवर्सिटी तुहानू कहिंदी है कि तुहाडी ऑनलाइन क्लासा तुसीं शुरू कर दिओ, इन केस रब ना करे तुहाडा वीज़ा नहीं आता, वो तुहाडा फुल फीस रिफंड करनगे, कोई फीस जिहड़ी डिडक्ट नहीं करनगे, दैन यू शुड गो फॉर ऑनलाइन क्लासिस। जे यूनिवर्सिटी कहती है तुम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने क्लासिस ऑनलाइन लगाते हो तो तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज़ हुंदा है, तो उन्नी चिर की फीस कटनगे, दैन तुहानू डेफर ले जाना चाहिए। अंबैसी के प्रोसैसिंग टाइम किन्ना हैगा, हाई कमीशन किन्ना समा लै रही है, ये बड़ा कॉमनली आस क्वेश्चन है बच्चों का। हाई कमीशन 2 महीने भी लै रही है, दिसंबर दियां कुछ फाइल्स के रिजल्ट अज तक पेंडिंग है एंड जैन दियां कुछ रिजल्ट जिहड़े ने आ भी चुके हैं, बिकॉज इन्नी क ज़्यादा फाइल अंदर गई जी कि एलीजिबल क्लाइंट्स भी नहीं है, डिप्लोमा से इन्नी क फाइल जी अंदर जा चुकी है, जिस करके हाई कमीशन भी परेशान हो गई है यहोजे नोट एलीजिबल क्लाइंट्स नू इंटरव्यू कर करके, या जो एलीजिबल क्लाइंट्स भी सी उन्हां दी इंटरव्यू की उन्होंने भी अपने फाइल बारे जानकारी नहीं हैगी। सो हाई कमीशन जी है हूँ थोड़ा समा ज़्यादा लै रही है, तुम 2 महीने लैके चलो, फाइल लॉज करने बाद समा लग सकता है तुहाडे रिजल्ट आने। सो मेन पार्ट मैं तुहानू दस दिंदा, चाहे तुम लैवल वन च अपलाई किया है चाहे लैवल टू च अपलाई किया, तुसी डिग्री कोर्स वास्ते जा रहे हो, सरकारी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तुहाडे डॉक्यूमेंट्स राइट हैगे आ, तुसी डॉक्यूमेंट्स दे नाल कोई छेड़ाखानी नहीं की, ना करन दित्ती एजेंट नूं, तुहाडी SOP बहुत वधिया हैगी है, तुहाडा एजेंट आना कैपेबल हैगा, तुहाडा एजेंट आना एजुकेट हैगा अपने आप दे विच, उहनूं पता हैगा तुहाडी GT क्लीयर किवें करानी है, तुहाडी इंटरव्यू तैयारी बहुत वधिया हैगी है, तुहाडे फंड्स जेन्युइन हैगे आ, तुसी अपने फंड्स नूं लै के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे ना ही करन दिओगे, तुहाडा वीज़ा जिहड़ा वो आएगा ही आएगा, चाहे तुसी लैवल वन च अपलाई किया चाहे लैवल टू च अपलाई किया। सो बिकॉज़ तुसी अपनी फाइल्स दे नाल जेकर छेड़ाखानी करन देंदे हो, तुहाडा बैन लगे या नॉर्मल रिफ्यूज़ होवे, आस्ट्रेलिया इक्को मौका देंदी है, दोबारा फाइल नहीं तुसी ला सकदे आस्ट्रेलिया, तुहानू किसी यूनिवर्सिटी ने किसी कॉलेज ने वीज़ा रिफ्यूज़ होने बाद दोबारा COE नहीं देनी। सो चूज़ यूअर एजेंट वाइसली, अपने यूनिवर्सिटी की चोन, अपने एजेंट की चोन पूरी रिसर्च करके करो, अपने प्रोफाइल के नाल कोई छेड़ाखानी ना करन दिओ, जो सच है उही करके तुसी मैसेज पेश करो एंड अपना वीज़ा लवो। सो तुहानू अपनी फाइल के मुतलक कोई जानकारी चाहिए है या तुहाडी फाइल तुसी मेरे को लवाना चाहते हो, तुसी हेठ दिए नंबर पर फोन कर सकते हो एंड मैनू भी आके मिल सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल।